Hello everyone, welcome to my channel Omega Study Center. आज आपके लिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक था कंप्लीट करने वाला हूँ. इसमें हमारा एक केस रह गया था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड विथड्रॉ ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स. तो इस टॉपिक को करवाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल तैयार की है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जिन्होंने मेरी पहले वाली क्लासेस देख रखी हैं वही इस क्लास को देखें, क्योंकि आपको समझ भी आएगा प्रॉपरली अगर आप सीक्वेंस से क्लासेस को देखोगे. और नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक दिए हैं करने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कोई भी क्वेश्चन दिया है, किसी भी लेक्चर में दिया है, संडे को उसकी डिस्कशन के लिए मैं अलग से क्लास लगाऊंगा आपकी, और आपको उसमें सारे सॉल्व करके डिस्कस करवाऊंगा. ठीक है, तो आप उस क्लास में देख सकते हो उनका आंसर. तो अब हम बात करते हैं आज की क्लास की. इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमारा टॉपिक रह गया था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर और विड्रॉ ऑफ कैपिटल. तो इसमें क्या डिफरेंस है, आप ये समझो पहले. एडिशनल का मतलब क्या है, जब कोई पार्टनर और अलग से कैपिटल लेके आता है, और विड्रॉ का मतलब क्या है, जब वो कैपिटल विड्रॉ करवा के ले जाता है. तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ और समझाऊंगा भी साथ साथ में, और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014. ए ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 2014 को 1 अप्रैल को 2 लाख के साथ. और बी ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस विद ₹1 लाख. बी ने क्या किया, 1 लाख रुपया लेके खुद भी आ गया बिजनेस में सेम डेट को. उसके बाद क्या हुआ, 1 सितंबर को जो ए था, ए ने 25,000 और कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, मतलब वो ₹24,000 और लेके आया. पहले तो 2 लाख उसका ऑलरेडी चल रहा था, 24,000 और ले आया. ठीक है, और बी ने क्या किया, 1 लाख दिया हुआ था पहले और 12,000 विड्रॉ करवा लिया सेम डेट को. सेम डेट मतलब 1 सितंबर को. 1 सितंबर को बी ने विड्रॉ करवा लिया और ए ने कंट्रीब्यूट किया. तो हमने उसके बाद क्या किया, क्या हुआ, विड्रॉ 12,000 ऑन सेम डेट फ्रॉम हिज कैपिटल फॉर परमानेंट बेसिस. इस लाइन को ध्यान में रखना है आपने, इस लाइन को आपने ध्यान में रखना है. मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है. ए ऑल्सो विथड्रू ₹1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज. ए क्या करता है, 1,000 रुपया पर मंथ बिजनेस से निकलवाता है अपने घरेलू खर्चे के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए. तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 12% के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहली बात, एक तो बी ने भी विथड्रू किए और ए ने भी विथड्रू किए, दोनों में डिफरेंस है. मैं आपको ये क्लियर करवाना चाहता हूँ, जो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैसे विड्रॉ तो हो रहे हैं पर वो फ्रॉम हिज कैपिटल या फॉर परमानेंट बेसिस पे हो रहे हैं, दोनों में से एक चीज भी दी हो सकती है और दोनों की दोनों भी दी हो सकती है. तो हमने इसे कैपिटल विड्रॉ मानना है. और अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब ये दोनों चीजें नहीं दी हुई, मतलब सीधा दिया हुआ है कि 1,000 पर मंथ निकलवा रहा है या 12,000 ड्यूरिंग द ईयर उसने विड्रॉ किया और कुछ नहीं दिया, तो हम उसे ड्रॉइंग्स मानेंगे. क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स मानेंगे. तो बेसिकली इसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डील नहीं करेंगे, नॉट डील इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ड्रॉइंग्स कौन सी हैं और कैपिटल विड्रॉ कौन सा है. तो कैपिटल विड्रॉ होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मैं अभी बता रहा हूं. और ड्रॉइंग वाला टॉपिक हम ड्रॉइंग वाले टाइम पे करेंगे, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो बेसिकली जैसे हम पहले करते हैं, इधर ए आ गया, बी आ गया. ए की कैपिटल साल के शुरू में कितनी है, 2 लाख. 2 लाख रुपए का हमने कितने परसेंट करना है, 12% करना है. 12% किया, कितना आ गया, 24,000. एंड 1 लाख का 12% करना है, कितना आ गया, 12,000.
ठीक है 12% किया, क्योंकि हमें गिवन था कि 12% के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके बाद 1 सितंबर आप यहां से मंथ काउंट करोगे कि कितने मंथ रिमेनिंग रह गए, ये बात ध्यान में रखनी है। रिमेनिंग वाले मंथ देखने हैं हमने, मतलब 1 अप्रैल से नहीं देखना, हमने देखना है 1 सितंबर टू 31 मार्च। तो बी लेके आया था 24,000 एंड ए ने विदड्रू, सॉरी ए लेके आया था 24,000 एंड बी ने विदड्रू किए थे, तो 12% × 7/12, ये तो सभी को आपको पता ही है। प्लस वन से आप करते आ रहे हो, मंथ्स क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, 24, ये आ गया हमारा 0 1680, इधर आ गया 12/100 × 7/12 840। तो इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि ये पैसा और लेके आया था, मतलब इसने एडिशन किया था और इसने विदड्रू किया था, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। मतलब ये बन गया टोटल 25,680 रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये रह गया 11,160 रुपीस। तो ये था हमारा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो भी मैंने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे वो मैं आपकी संडे को वीडियो अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन, और साथ में मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा टोटली सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। वो संडे को आपको मिल जाएगी और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हम कल करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे से टेस्ट सीरीज भी लेना चाहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट, सारा फ्री है आपके लिए। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करो ओमेगा स्टडी सेंटर के नाम से, वहाँ पे आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी और प्लस आप मेरे को वहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज सेंड करो कि मेरे को रिक्वायरमेंट है टेस्ट सीरीज की, क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, आपने मेरे को वो मैसेज करना है, उसी ऐप में होगा वो मैसेज। तो मैं आपको बैच में ऐड करके डेली आपको टेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें MCQ होंगे, ठीक है। तो आप इजिली उसको भी कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दो प्लस शेयर भी कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।